नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। इंटरनेट की दुनिया अब साइबर अपराधियों के कारण सुरक्षित नहीं है। भले इंटरनेट लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाए हों, लेकिन अब उतना ही खतरनाक साबित हो गया है। हर साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अपराध से जुड़ी क्राइम को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के प्रत्येक थानों से 2 निरीक्षक, 2 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पुलिस को लाइन व्हाइट हाउस सभागार में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा ने साइबर अपराध की जुड़ी हर जानकारी दी, जिससे गोरखपुर में साइबर क्राइम का शिकार ना हो। सहायक पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने बताया कि साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हैकर्स, धोखेबाज, पीड़ितों की प्रतिष्ठा, वित्त व्यवसाय आदि को प्रभावित करने वाली विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। डिवाइस कहीं और आपराधिक गतिविधियों करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लक्ष्य या उपकरण हो सकता है। साइबर क्राइम हमलों का टारगेट व्यक्ति, संगठन या सरकारें हो सकती हैं, यानी साइबर अपराधी किसी को भी शिकार बना सकते हैं। साइबर अपराधी तकनीकी रूप से अत्यधिक कुशल होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी अन्य डिवाइस को नुकसान पहुंचाना होता है या लाभ या कुछ अन्य कारणों से ऐसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए गोरखपुर पुलिस साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी गई। साइबर क्राइम एक्सपर्ट टीम का मुख्य उद्देश्य थाना क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराध के संबंध में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाना है, साथ ही साथ आम जनमानस को साइबर अपराध के रोकथाम संबंध में जागरूक किया जा सके। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशन्स ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। आईटीएम गीडा के छात्रों ने AI कुर्सी बनाया। नेताजी नहीं भूलेंगे जनता से किया वादा, याद दिलाएगी AI कुर्सी। चुनाव में वादे करके भूल जाने वाले जनप्रतिनिधियों को अब वादों को याद दिलाना आसान हो गया है। गोरखपुर के आईटीएम कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने एक ऐसी AI कुर्सी बनाई है जो नेताओं के बैठते ही उनके वादों के याद दिलाता है। चुनाव में वादे करके भूल जाने वाले जनप्रतिनिधियों को अब वादों को याद दिलाना आसान हो गया है। गोरखपुर के आईटीएम कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने एक ऐसी AI कुर्सी बनाई है जो नेताओं के बैठते ही उनके वादों को याद दिलाता है। जनता के अधिक संख्या में नाराज होने पर कुर्सी नेताओं को उनकी नाराजगी के बारे में बताएगी। अंशित का कहना है कि भविष्य के प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस AI कुर्सी में और भी बहुत खूबियां हैं। ये कुर्सी नेताओं को न केवल जनता से किए वादे जैसे रोजगार, शिक्षा, महिला, सड़क सुरक्षा, जल निकासी आदि समस्याओं की याद दिलाती है। इनके पूरा नहीं होने पर नाराज जनता के प्रति भी आगाह करेगी। ये कुर्सी सोशल मीडिया से जुड़ी होगी। उन्होंने बताया कि इस कुर्सी में लगे लाल और हरे रंग के लाइट इंडिकेटर के माध्यम से नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन जनता खुद करेगी और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गुड अथवा बैड मार्क दे सकती है। अंशित ने बताया कि कुर्सी पर सेंसर लगे हैं, उनके एक्टिवेट होने से PM और CM जैसे नेताओं को भी इंडिकेशन मिलने लगेगा। उन्हें कुर्सी से पता चलता रहेगा कि कितने लोग उनके कार्यों को पसंद कर रहे हैं और कितने नाराज हैं। लाखों की संख्या में लाइक होने पर AI कुर्सी एक्टिवेट हो जाएगी। कुर्सी पर बैठने वाले को उसके काम की जानकारी व लोकप्रियता का भी पता चलेगा। समय समय पर देशभक्ति गाने बजाने वाली यह कुर्सी भारी संख्या में जनता की नाराजगी का मूल्यांकन कर हिलने लगती है और नेताओं को जनता के नाराज होने का एहसास भी करवाती है। संस्थान के निदेशक NK सिंह ने कहा कि ये AI कुर्सी भविष्य में तकनीकी के माध्यम से और स्मार्ट होगी। देश का भविष्य तय कराने में इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है। होनारों ने महज 15 दिनों में 35,000 रुपए खर्च कर इसे तैयार किया है। इसके निर्माण में एंड्रॉइड मोबाइल, लाल और हरा इंडिकेटर, पिंस केबल, फाइबर कुर्सी, PCB बोर्ड, बैटरी इत्यादि का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईटीएम गीडा के डायरेक्टर डॉक्टर NK सिंह ने कहा, बच्चों ने एक AI टेक्निक बेस्ड एक ऐसी चेयर बनाई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है और सोशल मीडिया पर जो नेताओं के द्वारा चुनाव के दौरान जो कमिटमेंट्स जनता से किए जाते हैं उस पर वो नेता कितने खरे उतरते हैं या कौन से ऐसे जो कमिटमेंट्स हैं जो उनकी अपेक्षाएं जनता की जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो सब सोशल मीडिया पर रिफ्लेक्ट होती हैं और सोशल मीडिया के थ्रू जैसा भी जहां की जनता रिस्पॉन्ड करती है क्षेत्र की
वो सारी रिस्पॉन्सेज ये कुर्सी के माध्यम से नेताजी के पास तक जरूर पहुंचेगी, जिससे उन्हें पता लगेगा कि हमने जो कमिटमेंट्स किए थे उससे जनता कितनी खुश है और कहां हमें और बदलाव की आवश्यकता है जिससे बेहतरी की तरफ हमारे क्षेत्र में काम किया जा सकता है। क्या नाम है सर? एनके सिंह, आईटीएम डायरेक्टर। पिपराइच थाने की पुलिस ने लूट करने वाले दो अभियुक्तों के गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसपी नाथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दो अभियुक्तों के ऊपर पिपराइच पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान रोहन चौहान उर्फ किट्टू उर्फ मिथिलेश पुत्र राम भवन चौहान निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 चौहान टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा अंकुश चौहान पुत्र मोहित चौहान निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 चौहान टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त का एक विधि विरुद्ध गैंग है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त गैंग का लीडर रोहन चौहान उर्फ किट्टू उर्फ मिथिलेश उपरोक्त स्वयं व अपने गिरोह के अन्य सदस्य के साथ आर्थिक बौद्धिक दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी व लूट जैसे गंभीर अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यता जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं चोरी व लूट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत आज थाना पिपराइच निवासी कुख्यात अपराधी रोहन चौहान और किट्टू और उसके साथी अंकुश चौहान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की संचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। दोनों ही अपराधियों का बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, दोनों पर मुलाकात करीब 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये लोग कुख्यात अपराधी, लुटेरे और संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देते रहे हैं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर। प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को हरिओम नगर वैष्णवी लान के प्रांगण में वर्ष 2024 में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हाई स्कूल इंटरमीडिएट व उच्च तकनीकी शिक्षा में लगभग 200 छात्र छात्राओं को प्रजापति समाज के उच्च अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर इंजीनियर व सम्राट गणमान्य लोगों की उपस्थिति व सहयोग से प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं गोल्ड मेडल तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रभान प्रजापति एवं संचालन महामंत्री विनय प्रजापति व प्रभात प्रजापति ने किया। सभा की अध्यक्षता करते हुए शंभुनाथ दास महाराज, महंत बहलिया मठ नौतनवा महाराजगंज ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं कि समाज के बच्चे देश व प्रदेश में नाम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे आयोजन से अधिकारियों के प्रेरणा से सपनों को साकार कर पाएंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि ADG कमलापति प्रजापति ने बच्चों के हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी समाज मुख्य धारा से बहुत पीछे है, इस कारण समाज प्रशासनिक और राजनीतिक भागीदारी में पीछे है। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम कोमल प्रजापति, ICCNIT प्रोफेसर राजेश प्रजापति, अधिशासी अभियंता राम सागर, UTL सीनियर लेखाकार इंद्रजीत प्रजापति, विधि अधिकारी समाजसेवी चेघुर प्रसाद प्रजापति, भीम प्रजापति, डॉक्टर उमेश चंद प्रजापति, डॉक्टर रंजना प्रजापति, विजय प्रजापति, श्याम लाल गोला, रामाकांत कोतवाल, पवन भार्गव, भिखारी प्रजापति। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता UPSC 2023 में 10वीं रैंक प्राप्त करने वाली समाज की प्रथम महिला IAS ऐश्वर्या प्रजापति को प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के लोगों ने ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कुमारी ऐश्वर्या प्रजापति ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहीं भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता से ही सफलता का राज छिपा है। अपने मंजिल को पाने के लिए निरंतर लक्ष्य पर फोकस करें, सफलता अवश्य मिलेगी। पधारे हुए सभी अधिकारियों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्य संरक्षक चौधरी राम प्रसाद प्रजापति, संयोजक ओम प्रकाश प्रजापति, दुर्गा प्रजापति BDO ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IAS ऐश्वर्या प्रजापति ने कहा, मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को हमेशा ये आभास कराते रहना चाहिए कि उनके लिए पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है, और छोटी उम्र से उनको ये बताना चाहिए। सभी बच्चों को यही संदेश दूंगी कि पढ़ाई करें, और पढ़कर ही आप, शिक्षा पाकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए।
मैम अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो थोड़ा उसमें उनकी तैयारी में थोड़ा सा दिक्कतें मुश्किलें आती हैं, फाइनेंशियल भी और मॉरली भी। इसके लिए क्या आपके संदेश? दिक्कत तो आती है लेकिन फाइनेंशियली और जो बाकी सारी दिक्कतें हैं रिसोर्सेज को लेकर अवेलेबिलिटी, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज नए नए आ गए हैं जैसे यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, इन सब से जो आजकल के बच्चे जो स्मार्ट बच्चे हैं जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज इन सब जगहों से ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर बच्चे स्मार्ट यूज़ करें अपने जो भी उनको टेक्नोलॉजी घर पर प्रोवाइड की गई है। और जो भी मॉरल दिक्कतें आती हैं तो हमेशा बच्चे को मोटिवेटेड रहना है और कभी भी छोटे छोटे जो बीच के फेलियर्स आते हैं उनको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये सक्सेस में फेलियर्स आते रहते हैं और उनको कभी भी डीमोटिवेटिंग तरीके से नहीं लेना है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर